हेलो गाइस, मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। आज मैं इसमें लेके आया हूं कि जब आप घर बनाते हैं तो इस तरह से आप लोग फ्लोरिंग करते होंगे। फ्लोरिंग करने में मटेरियल यूज करते हैं जो बहुत सारे तरीके से होते हैं। टाइल्स कह लीजिए, मार्बल है, वेट्रीफाइड, ग्रेनाइट, उसके बाद आजकल लोग पीवीसी वर्क करवा लेते हैं और नहीं हो तो सिंपल प्लास्टिंग भी कर लेते हैं। तो आज उन्हीं सब बातों पर विचार करेंगे कि क्या चीज़ फ्लोरिंग में आपको सबसे बेस्ट रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि टाइल्स में हमें वेरिएंट्स ज़्यादा मिलते हैं, उसमें कलर करेक्शन, उसका कॉम्बिनेशन और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है, जिसका कहे तो उसका एस्पेक्ट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। उसके डिजिटल ग्राफिक्स डिजाइनिंग और उसके फ्लोरिंग शाइनी ज़्यादा होते हैं। वनस्पत जो हमारा मार्बल और ग्रेनाइट का होता है, क्योंकि ग्रेनाइट तो होता है तो उसमें पॉलिशिंग हो जाती है, लेकिन जब मार्बल की बात आती है तो उसके रॉ मटेरियल से हम लोग बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। तो अभी मैं अपने घर पे ही हूँ और चूँकि मैंने घर में अपना मार्बल ही यूज कराया है तो मार्बल का जो यूज है वो हम लोग डिटेल्स में अभी बात करेंगे। तो बेसिकली मार्बल हम लोग यूज कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर हमें घर में बार बार रिपेयरिंग और बार बार ऐसे कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े तो हम लोग इसी मार्बल पे आएंगे। और तो जैसा आप देखेंगे कि जब मार्बल की वर्क होती है तो थोड़ा सा अपीयरेंस इसका उतना अच्छा खास नहीं रह पाता है जितना होना चाहिए, लेकिन वर्क करने के लिए हम लोग मार्बल का यूज इसलिए करते हैं कि लॉन्ग पीरियड में हम लोग इस पे कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है जब इसमें दाग बहुत लगते हैं और इसकी सफाई डे टू डे वर्क हमारा डिले होते चला जाता है, इसका लेबर कॉस्टिंग थोड़ा कॉस्टलियर हो जाता है। जहाँ तक बात करें तो 30 रुपये से लेकर 50 रुपये पर स्क्वायर फीट ये लोग चार्ज करते हैं। इसमें घिसाई, पॉलिशिंग और बहुत सारे लेयर होते हैं जो चलाए जाते हैं। वेस्टेज इसमें कुछ ज़्यादा निकलता है। अगर वेस्टेज का अगर मैनेजमेंट आप लोग चाहते हैं तो इसमें सारे टुकड़े को इस तरह से छत पर आप लोग सजा सकते हैं, थोड़ा डिजाइन निकाल सकते हैं जो इसके मार्बल और ग्रेनाइट का टुकड़ा रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। और चिप्स जो बचते हैं उस सब का आप लोग यूज कर सकते हैं। ये बॉर्डर का टुकड़ा है तो देख सकते हैं कि हम लोग मार्बल में बहुत सारे ऐसे वर्क हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।